बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 का दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। हमने लास्ट जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन की डिफिनेशन पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, किस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, नेट चार्ज जो किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, ऑन एन एटम किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, किसके अंदर, इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम, सारा कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एटम और मिलकर बना होता है, तो किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है, चार्ज होता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह की होती है, कुछ एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है, और कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। फिक्स वो होती है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर वक्त क्या होती है, सेम होती है, यानी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल का मतलब है कुछ एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक कंपाउंड के अंदर कुछ और होगी और दूसरे कंपाउंड के अंदर क्या होगी, कुछ और होगी। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या शो करती है, ये शो करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है कि आपके एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी हो सकती है और क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यू नो बेटर कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस उस एटम की होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस। अगर एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, माइनस होती है। यानी कि आपका जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस में होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, माइनस में होगी। फिर प्लस के अंदर भी केसेस हैं, क्या केसेस हैं, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगी, अगर दो लूज करता है प्लस टू होगी, अगर तीन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस थ्री होगी। इस तरह एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक गेन करता है माइनस वन होगी, दो गेन करता है माइनस टू होगी, अगर तीन गेन करता है क्या होगी, माइनस थ्री। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहा है। अगर आप एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी, अगर वो गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताया था उसके रूल्स हैं, रूल्स में कुछ एटम ऐसे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपको बताया था वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और कुछ की क्या होती है, चेंज होती रहती है। साथ में आपको ये भी बताया था कि कोई एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस में भी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री हो सकती है। ये क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके एटम पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एटम के ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक लूज करेगा। जो आपके एटम के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो हैं, वो दो लूज करेगा। उसके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, और तीन लूज करेगा। आपने नाइन्थ क्लास के जो चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा था, प्रायर टेबल में, तो आपने पढ़ा था प्रायर टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, और किसी एलिमेंट के ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। आपने क्या पढ़ा था, अगर एटम के ऑक्सीजन में, जिन एलिमेंट के ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन है उसका वो किस ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में। जिन एलिमेंट के ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन है उसको सेकंड ग्रुप में रखा गया। वो एलिमेंट जिनके ऑक्सीजन में तीन इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ग्रुप के अंदर है। जिनके ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ग्रुप में। जिनके ऑक्सीजन में 5 इलेक्ट्रॉन है किस में, पांचवें में। तो डी स्टूडेंट, एक एटम है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है जी, सोडियम वगैरह है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये लिथियम हो गया, ये जो है किस ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। हाइड्रोजन भी है, ये किस ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं आपने क्या पढ़ा है, उनके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसके मेंबर है, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। जब ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होंगे जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट ग्रुप के वो होंगे तो इनके पास कितने हो गया, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस वन। तो मैंने क्या बताया था, कुछ एटम ऐसे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, तो फिक्स में जो पहले ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, कितनी होती है, प्लस वन। प्लस वन क्यों होती है, क्योंकि पहले ग्रुप के मेंबर है, इनके सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक है, वो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, इन पर कितना चार्ज आता है, प्लस वन चार्ज आता है। ठीक हो गया। अब दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को देख लें,
दूसरे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, मशहूर जो एलिमेंट है ब्रिलियम है, दूसरे ग्रुप में क्या है ब्रिलियम है, मैग्नेशियम है, मैग्नेशियम है और कैल्शियम वगैरह है। इनके आखिरी शेल में कितने लेटर आने हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप। ये प्राइडेबल केस ग्रुप के मेंबर है सेकंड ग्रुप के। इनको सेकंड ग्रुप में क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि इनके जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, प्लस टू होती है, कितनी होती है प्लस टू। इसके बाद आप थर्ड ग्रुप के मेंबर को देख लें, आपके पास अल्मोनियम वगैरह है, अल्मोनियम इज द मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप, अल्मोनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, ये तीन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, प्लस थ्री होगी। इस तरह आप छठे ग्रुप वालों को देखें, छठे ग्रुप में कौन है मशहूर एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप सिक्स, ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, ये कौन सा ग्रुप है, सिक्स ग्रुप का मेंबर है, तो सिक्स ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में छह इलेक्ट्रॉन है, कि छह लूज नहीं करेगा बल्कि ये दो क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि छह लूज करना इसके लिए मुश्किल है, दो गेन करना क्या आसान है। ये वाले पहला दूसरा तीसरा ग्रुप वाले आपने पढ़े मेटल्स है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पांचवा छठा सातवें वाले क्या है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। याद रखें प्राइडेबल के जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है वो मेटल है, उनका साइज बड़ा होता है, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनमें कौन सा चार्ज है प्लस। जो प्राइडेबल के इस तरह वाले एलिमेंट्स है इनका साइज छोटा होता है, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन है ये छठे ग्रुप का मेंबर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या रखता है, स्लाइड रखता है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में है तो छह इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस वक्त कितना चार्ज है, माइनस टू। एक देखो इसके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, इस वक्त कितना चार्ज आएगा, प्लस वन। जो दूसरे ग्रुप वाले इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, इस वक्त कितना चार्ज आएगा, प्लस टू। तो ये वाले जो आपके ये किस ग्रुप के मेंबर है, थर्ड ग्रुप के मेंबर है, इनके ऑक्सीजन में तीन इलेक्ट्रॉन है, ये तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, इन पर कितना चार्ज आएगा, प्लस थ्री। पहले वाले प्लस वन चार्ज होते हैं, दूसरे वालों पर चार्ज क्या होता है, प्लस टू होता है, तीसरे वालों पर चार्ज क्या होता है, प्लस थ्री होता है, और जो छठे वाले हैं उनके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद छह इलेक्ट्रॉन है, दो चाहिए होते हैं, दो गेन करते हैं, कितना चार्ज होता है, माइनस टू। अब बात करते हैं सातवें ग्रुप के, सातवें ग्रुप में कौन कौन से मशहूर एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप सेवन। ये किसके मेंबर है, सेवन ग्रुप के मेंबर है। जब सेवन ग्रुप के मेंबर है इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी स्टूडेंट सात इलेक्ट्रॉन है, जब सात इलेक्ट्रॉन है सात दे तो नहीं सकते, ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये गेन करेंगे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इन पर कितना चार्ज है, माइनस वन चार्ज है। तो ये प्रोटोटाइप के कुछ एलिमेंट्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इनकी ऑक्सीडेंस स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है। जो फर्स्ट ग्रुप के चार एलिमेंट मशहूर आप ये आपको बार बार ये आएंगे, ये चार इनकी ऑक्सीडेंस स्टेट प्लस वन होती है, तीन की प्लस टू होती है, इसकी क्या होती है माइनस थ्री और प्लस थ्री होती है, इसकी क्या होती है माइनस टू, इसकी क्या होती है माइनस वन। कितने एटम हो गए, चार सात आठ नौ और तीन कितने हो गए, बारह एटम हो गए। इन बारह की ऑक्सीडेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो वैसे तो आप रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दिया इनकी प्लस वन क्यों होती है, पहले ग्रुप के मेंबर है, ये प्लस टू क्यों होती है, दूसरे के मेंबर है। अगर आपको इनको पता है ये कौन से ग्रुप के हैं, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये तो होगी ऑक्सीडेंट स्टेट क्या होगी, फिक्स है। एक और बात आपको बताऊं, जब कोई एलिमेंट फ्री एलिमेंट होता है, फ्री एलिमेंट से मुराद क्या, फ्री कोई भी एटम होता है, फ्री एटम से मुराद अकेले एटम, अकेले एटम जब भी कोई होता है उसकी ऑक्सीडेंट स्टेट कितनी होती है, जीरो। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेंट स्टेट की क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है रूल्स है। रूल्स क्या है जी, पहले ग्रुप के जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होती है, दूसरे वालों की ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू होती है, तीसरे वालों की होती है प्लस थ्री होती है, छठे वालों की क्या होती है माइनस टू होती है, और सातवें वालों के पास सात इलेक्ट्रॉन है, माइनस क्या होती है वन होती है। एक और बात जो आपको बताइए, कोई भी एलिमेंट फ्री है, फ्री से मुराद क्या अकेला है, किसी के साथ नहीं है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, जीरो। क्यों, ज़्यादा है पास नंबर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन की शक्ल में एच टू। अभी एच टू में हाइड्रोजन अकेला है, दो एटम है लेकिन हाइड्रोजन किसी को ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होगा, कितना चार्ज होगा, जीरो। इस तरह ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन अकेले के ऊपर कितना चार्ज होगा, जीरो। सल्फर अकेला है तो सल्फर अकेले के ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। जब एटम अकेला है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये रूल है। जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करने की, क्या पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूल्स। तो ये आपको ये सिर्फ इनकी क्या कर लें, इनकी याद कर लें सिंपल, इनकी ऑक्सीजन स्टेट
स्टूडेंट की याद कर लें, इनकी कितनी हमें काम आएगी, इनकी प्लस वन होती है, इनकी प्लस टू होती है, इनकी प्लस थ्री होती है, इसकी माइनस टू होती है, इनकी माइनस वन होती है, और फ्री आइटम जब भी होगा उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। आप फाइंड कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में आ जाता है जी ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एलिमेंट, इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, फिक्स है। तो आप फाइंड किसी करते हैं जिनकी फिक्स नहीं है, यानी वेरिएबल है। मसलन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पेपर में दी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल है, इसमें बताएंगे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। ऑक्सीजन स्टेट की डिफिनेशन क्या है कि किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन स्टेट। आपसे कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस है माइनस है, कितना है। आप कैसे फाइंड करेंगे जी, फाइंड करने का तरीका क्या है, इसको देखें। अगर आज चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ चार्ज है, ऊपर नहीं है ना, आप क्या लिखेंगे, जिस तरह मैथ में लिखते होते हैं, ओवरऑल इसके ऊपर नेट चार्ज सर कितना लिखेंगे, जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं ऊपर ना, इसके ऊपर जितना चार्ज आखिर में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अगर एटम के ऊपर यहाँ पर होगा इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, मैं क्या लिखता है, इक्वल टू माइनस वन। अगर इसके ऊपर माइनस टू चार्ज होता है, मैं क्या लिखता है, माइनस टू। यानी एक रूल तो ये हो गया, दूसरे रूल क्या है, एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे उसके आखिर में इक्वल टू के बाद लिख लेंगे। मसलन अगर एटम के ऊपर जीरो चार्ज है, हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अगर एटम के ऊपर प्लस वन चार्ज है, हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू प्लस वन। अगर एटम के ऊपर माइनस टू चार्ज है, हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस टू। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर चार्ज नहीं है, हम कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये पेपर में आता होता है, आप ये एक न्यूमेरिकल है किस्म की, ये न्यूमेरिकल्स है ये। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने, एक है। मैथ वाले तरीके से आप मैथ के क्वेश्चन करते हो उस तरह हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, मैं नहीं पता, एक्स। ज़्यादा उसने पूछा है कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, मैं नहीं पता। प्लस पहले इस तरह देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने, एक है, और ऑक्सीजन कितने, दो। तो मैंने क्या किया, ओ को बड़ा क्यों लिखे, अगर मैं ओ छोटा लिखूंगा ये आपको 20 नजर आएगा। टू ओ का मतलब है ऑक्सीजन कितने, दो हैं। अब क्या करें, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, हमें नहीं पता, क्या लिखेंगे, एक्स। ऑक्सीजन कितने, दो हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, हमें क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, कितना होता है, माइनस टू। यहाँ पर आप लिख लेंगे माइनस टू, नेट चार्ज इसका कितना है, जीरो। आप क्या करेंगे, वन इंटू एक्स क्या होगा, एक्स प्लस को माइनस से माइनस किया हुआ है, माइनस हो जाएगा, टू को टू से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फोर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स इधर ही रहेगा, ये माइनस फोर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस फोर। इस केमिकल में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस फोर है, कौन सा चार्ज है, प्लस फोर है, बस ये आपका न्यूमेरिकल है। इस तरह पेपर में आएगा, पेपर में क्या आएगा जी, आप किसका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, आप फाइंड करें जी SO2 का फाइंड करें। SO2 में किसका फाइंड करें, सल्फर का। आपको किसका दिया होगा, जिसका ऑक्सीजन स्टेट क्या, वेरिएबल। ऑक्सीजन का कभी नहीं देंगे, क्यों, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, फिक्स होता है। तो आपसे कहा जाएगा किसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, सोडियम सल्फर की फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, पहले देखें SO2 को देखें, SO2 में सल्फर कितने, एक है, प्लस ऑक्सीजन कितने, दो। मैं बहुत बड़ा करके लिखता हूँ, बड़ा इस करके लिखता हूँ, वो छोटा लिखूंगा आपको ये 20 नजर आएगा। तो क्या होगा डी स्टूडेंट, ये वन इधर ही है, सल्फर का फाइंड करने इधर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ऑक्सीजन कितने, दो है। ऑक्सीजन कितने, दो है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो सामने आपको बताया था कितना चार्ज होता है, माइनस टू। इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है, जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। इक्वल टू जीरो लिखना लाजमी है, जितना नेट चार्ज होगा आखिर में लिखेंगे। अब क्या होगा, वन टू एक्स, एक्स ही होगा, प्लस ही होगा, बल्कि इसको SO2 ना लिखें, इसको क्या लिखें, SO3 लिखें। तो SO3 लिखेंगे तो इधर क्या लिख लेंगे, थ्री, थ्री ऑक्सीजन। तो थ्री को टू से मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थ्री को टू से करेंगे क्या आ जाएगा, सिक्स। इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स। एक इस केमिकल में सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस सिक्स चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस सिक्स। इसका पेपर में आएगा H2S का आएगा, H2S में सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है। आप देखें सल्फर का चार्ज हर केमिकल में डिफरेंट होता है। आप देखें H2S में ओवरऑल कितना चार्ज, ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना लिखा हुआ, मतलब क्या, जीरो। इसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। H2S में सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। अब क्या है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है H2S में, कितने हाइड्रोजन है, दो। और हाइड्रोजन में कितना चार्ज होता है, क्या बताया था आपको, प्लस वन। तो दो आगे उसके चार्ज लिखता है, एटम कितने और उसके चार्ज कितने, प्लस। सल्फर कितने, एक है, सल्फर कितने, एक। सल्फर कितने, एक है। तो सल्फर एक है तो क्या करेंगे डी स्टूडेंट, सल्फर सल्फर दो है, हाइड्रोजन दो है, कितना चार्ज है, प्लस वन। और सल्फर एक है, हमें नहीं पता क्या लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, टू यू इंटू वन टू प्लस वन इंटू एक्स, क्या एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे,
जी आप क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स इधर छोड़े, ये प्लस टू इधर आगे हो जाएगा माइनस टू। देखें इस केमिकल में सल्फर पर कितना चार्ज है प्लस सिक्स, इस केमिकल में सल्फर पर कितना चार्ज है माइनस टू, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कभी क्या है प्लस टू है, कभी कितनी होती है माइनस सिक्स है, कभी चेंज होती रहती है, आई समझ। अच्छा इस तरह एक और केमिकल का फाइंड करते हैं, ये केमिकल है H2SO4, पेपर में आ जाता है जी H2S में किसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, सल्फर की करें, किसकी करें सल्फर की। सल्फर क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या है फिक्स है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की भी क्या है फिक्स है, सिर्फ सल्फर की क्या होती है चेंज होती है। तो कैसे करेंगे जी स्टूडेंट H2S की कैसे करेंगे, इसमें कितने हाइड्रोजन है दो, पहले लिखे हाइड्रोजन कितने दो हैं, सल्फर कितने एक है और ऑक्सीजन कितने चार, और इसके ऊपर नेट चार्ज कितने इसके ऊपर जीरो। अब क्या करेंगे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको क्या बताया था फिक्स है, कितना होता है प्लस वन, सल्फर एक है, सल्फर के ऊपर हमें चार्ज नहीं पता, जो नहीं पता होता मैथ में क्या लेते होते हैं एक्स प्लस, ऑक्सीजन कितने हैं चार है और हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है माइनस टू, इधर क्या लिखेंगे माइनस टू और आर क्या लिखेंगे जीरो, आर टू इंटू टू वन इंटू क्या हो जाएगा टू प्लस वन इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और फोर फोर को टू से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा एट आ जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे इक्वल टू क्या कर लेंगे जीरो। अभी क्या है मैथ में क्या करते होते हैं, मैथ में क्या करते होते हैं प्लस टू माइनस एट क्या होता है माइनस सिक्स, प्लस टू माइनस एट क्या होता है माइनस सिक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, एक्स इधर ही है ये माइनस सिक्स इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस सिक्स। आप देखें यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज है प्लस सिक्स, यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज है माइनस टू, यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज है प्लस सिक्स, हर केमिकल के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इसको ऑक्सीजन स्टेट के जरिए आप मुख्तलिफ एटम की ऑक्सीजन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं ये आपके पास तरीका है। इसके बाद क्या करेंगे आप स्टूडेंट, एक दो केमिकल में लिखता हूँ फिर आप वो लिखते हैं, ये वाला केमिकल करते हैं ये वाला Cr2O7 और आज चार्ज क्या है माइनस टू, Cr2O7 और आज चार्ज क्या लिखेंगे माइनस टू। हम क्या लिखते होते थे नेट चार्ज पहले कितना लिखते होते थे जीरो, यहाँ नेट चार्ज जीरो नहीं लिखेंगे, नेट चार्ज हम कितना लिखेंगे माइनस टू, क्योंकि इस केमिकल में जो आपका नेट चार्ज है वो जीरो नहीं है, कितना है माइनस टू, माइनस टू लिख लिया। आप क्रोमियम कितने इसमें, कितने क्रोमियम आपके पास दो है और ऑक्सीजन कितने आपके पास, ऑक्सीजन कितने आपके पास सात, कितने क्रोम ऑक्सीजन है सात, तो मैं और जरा बड़ा लिखता हूँ, अगर बड़ा नहीं लिखूंगा आपको ये सत नजर आएगा। अब क्या करेंगे क्रोमियम दो है, क्रोमियम का चार्ज फाइंड करना है हमें नहीं पता, क्रोमियम का चार्ज क्रोमियम ये एटम है इसका हमें नहीं पता, हम क्या लिखेंगे एक्स नहीं पता तो एक्स लिखेंगे प्लस, सल्फर कितने सात है, ऑक्सीजन कितने सात है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस टू, मैं तो क्या लिखूंगा माइनस टू लिखूंगा, नेट चार्ज क्या लिखूंगा माइनस टू। अब टू एक्स इंटू टू एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सात को दो से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा चौदह इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे टू एक्स को इधर छोड़ दें, ये माइनस टू इधर ही है ये माइनस फोर्टीन है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस फोर्टीन, अभी टू एक्स इधर ही है ये फोर्टीन में से दो निकालेंगे कितना रह जाएगा ट्वेल्व, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर ही छोड़े ये ट्वेल्व इधर ही है टू आगे डिवाइड हो जाएगा कितना है चार्ज। इस केमिकल में जो आपका क्रोमियम है इस पर कितना चार्ज है सिक्स चार्ज, कितना चार्ज है सिक्स, समझ आइए। इस तरह एक और पर करते हैं, ये क्योंकि मशहूर केमिकल है KMnO4, कौन सा केमिकल है KMnO4 और आज चार्ज कितना है इसके ऊपर जीरो, ठीक है केवल ओवरऑल चार्ज कितने जीरो, पोटेशियम कितने इसमें एक है, पोटेशियम किस सूत्र में पहले का कितना चार्ज आपको क्या बताया था प्लस वन, मैंगनीज कितने एक है, मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है एक्स, ऑक्सीजन कितने है? चार है और ऑक्सीजन के ऊपर आपको बताया कितना चार्ज है माइनस टू, यानी पोटेशियम का भी फिक्स है कितना है प्लस वन, ऑक्सीजन का भी फिक्स है, फिर फाइंड किससे करना है मैंगनीज का, तो मैंगनीज कितने है माइनस टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे वन इंटू वन है वन प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस को माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा, चार को दो से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आठ इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या है प्लस वन माइनस एट क्या होता है माइनस सेवन, मैथ में क्या होता है माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, आप एक्स इधर ही है ये वो तो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा। केमिकल फोर में मैंगनीज पर कितना चार्ज है प्लस सेवन चार्ज है। इस तरह और भी मुख्तलिफ केमिकल्स हैं इसके अलावा, तो डी स्टूडेंट इसके बाद एक और केमिकल है उसके ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करने का नाम क्या है नाइट्रिक एसिड। अगर आ जाए जी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है किसकी, नाइट्रिक एसिड में किसकी फिक्स है, आपने पढ़ा है कि सोडियम और हाइड्रोजन वगैरह की पोटाशियम वगैरह की होती है प्लस वन होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कितनी होती है प्लस टू होती है, अल्मोनियम जाम भी होगा प्लस थ्री होगा, ऑक्सीजन माइनस टू होगा, और जो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये कितने होंगे माइनस वन होंगे। तो HNO3 में आपने किसकी ऑक्सीजन फाइंड करनी है नाइट्रोजन की, नेट चार्ज कितने HNO3 में जीरो चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कितने एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पर आपको बता चुका हूँ कितना चार्ज होता है प्लस वन लिखेंगे,
नाइट्रोजन भी कितने, एक है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज हमें नहीं पता क्या करना है, फाइंड करना है। ऑक्सीजन कितने है? तीन है। पहले क्या लिखना है, है कितने, ब्रैकेट में क्या लिखना है, उसका चार्ज लिखना है, तादाद बाहर तादाद लिखनी है और ब्रैकेट में उनका क्या लिखना है, चार्ज लिखना है, और बीच में कौन सा साइन डालना है, प्लस साइन। देखें हाइड्रोजन एक है, बाहर लिखा, उसके ऊपर चार्ज कितने, प्लस वन, ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर प्लस, नाइट्रोजन एक है, ठीक है, चार्ज कितना नहीं पता, एक्स लिखा, फिर प्लस, ऑक्सीजन तीन है, फिर वो चार्ज कितने हैं, माइनस टू, तादाद बाहर लिखेंगे और जो उसकी जो चार्ज हो क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, वन इंटू वन हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री को टू से मल्टीफाई कितना आ जाएगा, सिक्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्या होगा, प्लस वन माइनस सिक्स कितने होते हैं, माइनस फाइव, ये क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस फाइव। इस केमिकल में जो नाइट्रिक एसिड है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस फाइव चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, प्लस फाइव। इसके बाद एक और चीज करते हैं अभी स्टूडेंट, आपको एक और बात बता दूं, कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के होते हैं रेडिकल की शक्ल में होते हैं, किस शक्ल में होते हैं, रेडिकल। रेडिकल कैसे कहते हैं, ये देखें, NO3 जब भी आएगा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको अलग अलग नहीं लेंगे, NO3 ओवरऑल एक होगा, ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, माइनस वन, समझ आइए। इस तरह SO4 जब भी आएगा इसमें सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि ओवरऑल इसके ऊपर SO4 जब भी आएगा इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, माइनस टू चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरह फास्फेटिक कार्बोनेट जब भी आएगा CO3, ये अलग अलग नहीं होगा, इसके ऊपर लमसम कितना चार्ज होगा, माइनस टू। इनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग प्लस और माइनस चार्ज, इसका रेडिकल। समझ आइए कितने एटम है, चार एटम है, ओवरऑल चार्ज कितना है, माइनस टू। इसमें कितने एटम है, पांच है, ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस टू। इसमें CO3 में कितने एटम है, चार एटम है, ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस टू, सही है। इस तरह आपके पास बार दफा HCO3 आ जाता है, HCO3 में ये अलग अलग नहीं लिखना, ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस वन चार्ज है। इस तरह PO4 आएगा, PO4 ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अलग अलग आप नहीं देखेंगे, आप कितना चार्ज देखेंगे, इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस थ्री। इनको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। जब इस तरह के केमिकल आ जाए आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, ओवरऑल लिखेंगे, कितना चार्ज लिखेंगे, माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास केमिकल आ जाता है सी यू एन ओ थ्री ऑल ट्वाइस, आप परेशान हो जाएंगे यार ये किस तरह मैं करूंगा, तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। इसमें कॉपर क्या एक है, अब मैंने क्या बताया था NO3 जब भी आएगा इसको आप एक लेंगे, इसमें NO3 कितने हैं, NO3 दो हैं, NO3 कितने हैं, NO3 है, दो NO3 हैं, तो क्या करेंगे, कॉपर एक है, हमें चार्ज नहीं पता, क्या लिखेंगे, एक्स। NO3 कितने हैं, दो, दो NO3 हैं, NO3 ऑल ट्वाइस का मतलब है NO3 दो दफा, और हर NO3 के ऊपर कितना चार्ज है, मैंने क्या बताया था, माइनस वन। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लेना है, एक ही लेना है, और आज चार्ज क्या लिखेंगे, माइनस वन, और आज चार्ज क्या, जीरो आ जाएगा। तो अभी ये वन इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, प्लस टू माइनस, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो टू को वन से करके आ जाएगा, टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू है, इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस टू। इस जो अगर केमिकल है इसमें कापुर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस टू चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस टू। इस तरह आपकी बुक में है कि ये केमिकल दिया हुआ है जेड एन एस ओ फोर, और आज चार्ज क्या है, जीरो। अब देखें इसमें कितने एटम है, तीन एटम है, एक जिंक है, एक सल्फर का है और एक ऑक्सीजन है। आपको पता है मैथ में क्वेश्चन उस वक्त होता है जब आपको तीन चीजें, तीन में से दो की वैल्यू फाइंड होगी, तीसरी क्या फाइंड करेंगे, अगर आपको दो की वैल्यू फाइंड नहीं है तो आप तीसरी नहीं कर सकते, यानी दो चीजों का फाइंड होना आपके पास क्या जरूरी है। इस तरह तो इसमें तो हमें ऑक्सीजन का एक पता है, हमें सल्फर का भी नहीं पता, हमें जिंक का भी नहीं पता उसका चार्ज क्या है, ऐसे ही है ना, फिर हमें क्या पता किसकी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया SO4 जब भी आएगा उसको हम क्या लेंगे, एज ए होल लेंगे, उसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस टू। इस केमिकल के अंदर दो चीजें होंगी, SO4 सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होंगे बल्कि इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे होंगे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जिंक कितने है, इसमें जिंक कितने, एक है, इसमें कितने जिंक है, एक, और SO4 भी कितने, एक, एक जिंक है और एक क्या चीज है, SO4 है। अब जिंक जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है हमें नहीं पता, क्या लिखेंगे, एक्स, और अगर सल्फेट, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, दो सल्फर, हमें चार्ज नहीं पता, कितना चार्ज लिखेंगे, माइनस टू। तो क्या लिखेंगे, वन इंटू एक्स, एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस टू, टू से कितना आ जाएगा, फोर, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर है, इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस फोर। इस केमिकल में सॉरी एस फोर एक ही है, तो वन इंटू क्या है, माइनस टू, तो इधर क्या है, माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो माइनस टू है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस टू है, इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस टू। इस केमिकल में जो जिंक है उस पर कितना चार्ज है, प्लस टू चार्ज, आई समझ। इस तरह पेपर में इस तरह आएगा, आपकी बुक में लिखा होगा सी यू एस ओ फोर, इसका चार्ज फाइंड करें। सी यू एस ओ फोर में भी क्या है, आप क्या बताया, सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं लेंगे बल्कि एस ओ फोर एज ए होल लेंगे, इकट्ठा लेंगे। तो इसमें क्या है, एक कापर है,
और इसमें क्या एक्स ऐसे फोर है और ओवरऑल चार्ज इस केमिकल पर कितने जीरो। अगर चार्ज होता ऊपर माइनस वन होता मैं इधर माइनस वन लिखता, ऊपर माइनस टू लिखा होता तो मैं क्या लिखता माइनस टू। अब क्या करूंगा मैं, कापर एक है हमें नहीं पता कितना चार्ज, एक्स सल्फेट एक है कितना हमें नहीं कितना चार्ज है माइनस टू चार्ज, और आज चार्ज क्या जीरो वन इंटू एक्स एक्स आ गया प्लस टू माइनस माइनस वन इंटू टू टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस टू। इस केमिकल में कापर पर कितना चार्ज है प्लस टू चार्ज है, कितना चार्ज है प्लस टू चार्ज है, आई समझ। इस तरह डी स्टूडेंट इसके अलावा की बुक से एक और एग्जाम्पल है, ये केमिकल लिखा हुआ है पी सी एल फाइव। अभी पी सी एल फाइव में आपको पता है क्लोरीन का चार्ज क्या होता है फिक्स होता है, तो जाहिर है फिर आपने किस से फाइंड करना है क्लोरीन, ये आपने किस से फाइंड करना है फास्फोरस का, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है जीरो, कोई चार्ज नहीं है। फास्फोरस कितने एक है, फास्फोरस एक है, फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज है हमें नहीं पता एक्स। क्लोरीन कितने हैं पाँच है, कितने क्लोरीन है पाँच है, और हर क्लोरीन पर कितना चार्ज है माइनस वन, तो क्या होगा वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस को माइनस से करेंगे माइनस फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल इधर माइनस फाइव है इधर क्या हो जाएगा प्लस फाइव, कितना आ जाएगा प्लस फाइव आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस फाइव। इस तरह आखिरी जो एग्जांपल मैं करने जा रहा हूँ, मैंने आपको 10-15 एग्जांपल इस लेक्चर में दे दिए, इसके बाद एग्जांपल दी हुई है एनओ टू और आर चार्ज क्या है माइनस वन, क्या चीज़ है एनओ टू और आर चार्ज क्या है माइनस वन। देखें जब कोई चार्ज नहीं था मैं नेट चार्ज क्या लिखता था जीरो, क्या लिखता जीरो, यहाँ पर नेट चार्ज क्या है माइनस वन, तो मैं इधर क्या लिखूंगा माइनस वन। अब इसमें नाइट्रोजन कितने एक है, नाइट्रोजन में हमें नहीं पता कितना चार्ज एक्स, ऑक्सीजन कितने दो हैं, कितने ऑक्सीजन है दो हैं, और हर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है आपने क्या पढ़ा ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, ये क्या लिखा है माइनस टू, दो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है माइनस टू, वन इंटू वन एक्स एक्स प्लस टू माइनस माइनस टू को टू से करें कितना आ जाएगा फोर इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन एक्स, ये माइनस वन है ये माइनस वन इधर माइनस वन है तो क्या माइनस फोर है, माइनस फोर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस फोर, तो प्लस फोर माइनस वन क्या होता है फोर में से एक निकाले क्या आएगा थ्री। इस केमिकल में नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है थ्री चार्ज, मतलब देखें प्लस थ्री का मतलब है इस केमिकल में नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस टू का मतलब है कॉपर दो दे रहा है, समझ आइए जितना चार्ज होता है सब मतलब उतने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, आई समझ। ये आपने फाइंड कर ली क्या चीज हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या फाइंड कर ली ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद एक और चीज देखनी है आप केमिकल रिएक्शन है, आप क्या बताया था बाद अब आप केमिस्ट्री में क्या लिखे होंगे केमिकल रिएक्शन लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है, आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितनी डिफिनेशन है चार डिफिनेशन है, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा आप कौन सी डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे चौथी डिफिनेशन। पहली डिफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की कितनी डिफिनेशन है चार, पहली ऑक्सीडेशन की कितनी डिफिनेशन है चार डिफिनेशन है। पहली डिफिनेशन क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी चीज में से ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी चीज में से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन करता है। तीसरा क्या है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। और चौथी बात क्या है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने को भी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन इसका क्या उलट है। अब मैं आपको इधर रिएक्शन लिखूंगा पेपर में आपको रिएक्शन आएगा और आपसे पूछा जाएगा बताएं इसमें से ऑक्सीडेशन किसकी हुई है रिडक्शन किसकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये पेज नंबर 190 पर रिएक्शन लिखा हुआ है CuSO4 इसका इसके साथ क्या है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर क्या कहते हैं ये पेज नंबर 190 पर टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बताया था जनरल सा ये एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपसे पूछा जाएगा किसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है तो ये आपके टॉप कोर्स में नहीं है लेकिन हम इसकी वैसे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखें डी स्टूडेंट आपको क्या बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने क्या पढ़ा था कुछ एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। साथ एक और रूल मैंने आपको बताया था जब भी कोई एलिमेंट फ्री हो अकेला हो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है जीरो चार्ज होता है। आप नोट करें यहाँ पर ये क्या है कॉपर सल्फेट इसका जिंक के साथ रिएक्शन होगा अभी ऐसे पर जिंक के साथ चला जाएगा ये बन जाएगा ZnSO कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। नोट करें जरा मेरी बात सुनो यहाँ पर ये प्लस का मतलब क्या है ये अलग केमिकल है ये अलग है ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है ये एक नाम है अगर मैंने लिखा होता मोहम्मद प्लस मुनीब इसका मतलब ये क्या है दो नाम है वसीम प्लस अक्रम दो नाम है वसीम अगर प्लस ना होता वसीम अक्रम क्या एक नाम है जैन आबिद एक नाम है जैन प्लस आबिद कितने नाम है दो तो प्लस का मतलब है ये दोनों क्या अलग अलग है। आप देखें डी स्टूडेंट मैंने आपको ऑक्सीजन स्टेट के रूल में आप एक बात बताई थी क्या है फ्री एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट क्या है जीरो यहाँ अकेला कौन है जिंक जिंक को हम क्या कहते हैं फ्री आइटम फ्री क्यों कहते हैं जिंक अकेला है इसके साथ कोई भी नहीं है। जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है ना वो किसी के साथ उसका देता है इलेक्ट्रॉन ना किसी से लेता है अकेला आइटम किसी को इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है ना किसी चंगी था ना किसी की मंदी तो प्लस जिंक है इस पर कितना चार्ज है जीरो चार्ज है
और कापर है, कापर भी अकेला है, इसमें भी कितना चार्ज होता है? जीरो। जो एलिमेंट अकेला होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? जीरो। हमने देखना ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। आप इधर CuSO4 है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, SO4 पर कितना चार्ज होता है? -4। तो आप CuSO4 में क्या फाइंड करें, CuSO4 में किसका चार्ज और आज चार्ज क्या है? जीरो। कापर एक है, कापर के ऊपर कितना चार्ज है? एक्स। SO4 एक है, SO4 के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो 1 × x हो गया प्लस टू, -2 = 0, x इक्वल टू क्या आ गया? +2। सीधी बात है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है तो कापर के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2। तो इस केमिकल में कापर का ऑक्सीजन स्टेट आप खुद फाइंड करेंगे, आपने खुद फाइंड किए कितना चार्ज है कापर के ऊपर? +2। आप कापर कैसे, तो हमें पता, हमें जिंक का नहीं पता जिंक ऊपर कितना चार्ज है। तो जिंक का कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास तरीका है क्या? ZnSO4 और आज चार्ज क्या है? जीरो। जिंक कितने? एक है। एक के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है कितना चार्ज? एक्स। ऑक्सीजन कितने? दो है, नहीं एक है। SO4 SO4 के ऊपर कितना चार्ज है क्या बताया था? SO4 जब भी होगा कितना चार्ज होगा? -2। बार बार बता रहा हूँ, SO4 में सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे? इकट्ठा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 × x प्लस टू माइनस, ये क्या होगा? माइनस। एक और दो से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2 = क्या आ जाएगा? 0। एक्स इधर ही है, ये -2 इधर आ गया, क्या हो जाएगा? +2। इस केमिकल में जिंक पर कितना चार्ज है? +2। ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कर ली, अब क्या देखना है? डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या कहती है? देखो आपको क्या बताया था, पहली डिफिनेशन आज जगह इस्तेमाल नहीं होती। पहली डिफिनेशन क्या? ऑक्सीजन ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है, पहली डिफिनेशन अप्लाई नहीं होती। दूसरी क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ ही नहीं है, ये भी अप्लाई नहीं होती। तीसरी डिफिनेशन क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। तो मैंने आपको प्रातिभा बताया था सबसे ज्यादा कौन सी डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, चौथी। आप ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे, जिसका चार्ज बढ़ रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका चार्ज कम हो रहा है उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। आप कापर को देखें, कापर पर कितना चार्ज है? +4। प्लस कितना चार्ज है कापर पर? जी कापर पर कितना चार्ज है? +2। यहाँ पर कापर पर +2 चार्ज है, यहाँ कापर पर कितना चार्ज है? 0। कापर +2 से कितना आया? 0 आया। +2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? +2 बड़ा होता है, 0 क्या होता है? कम होता है। तो कापर की रिएक्टर में ऑक्सीजन स्टेट +2 थी, अभी कितनी हो गई? 0 हुई है। इसका चार्ज क्या हुआ? कम हुआ है। तो क्या हुआ? डिक्रीज हुई है। क्या चीज? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। इसकी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हुई है और ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। डिक्रीज हुई है तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो कापर इसकी क्या हुई? कापर की क्या हुई? रिडक्शन हुई है, समझ आइए। अब दूसरी तरफ जिंक को देखें, जिंक पर कितना चार्ज है? 0। कितना चार्ज है? 0। यहां जिंक पर कितना चार्ज है? यहां जिंक पर कितना चार्ज है? जिंक पर यहां पर 0 चार्ज है, यहां कितना चार्ज है? +2। अब 0 से क्या करें? एरो डालें इधर। इसका चार्ज कम हुआ है, ये +2 से किधर गया? 0। ये 0 से किधर गया? +2। 0 कम है, +2 क्या ज्यादा है। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी इस केमिकल में इस जो रिएक्शन है इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और कापर की क्या हुई है? रिडक्शन। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताएं ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। तो आप कहेंगे जो कापर है उसकी क्या हुई है? कापर की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। कापर कैसे कैसे रिडक्शन हुई है? कापर +2 चार्ज था, +2 से किधर गया? 0। उसका चार्ज कम हो गया। जबकि जिंक जो है इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है।